अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रीन टी वेट लॉस में मदद करती है और ग्रीन टी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो वज़न कम करने में मदद देती हैं। नाज़रीन, ग्रीन टी एक बेवरेज है। ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से इसको तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वेट लॉस की ग्रीन टी हमारे जिस्म को बहुत सी और बीमारियों से महफूज रखती है। नाज़रीन, ग्रीन टी को काफ़ी लोग वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन टी के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो वेट लॉस के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। व्यूअर्स, अगर बात की जाए कि ग्रीन टी के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं या ग्रीन टी के अंदर कौन से ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो वेट लॉस के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। अगर हम ग्रीन टी के अंदर मौजूद इन अज्जा की बात करें तो सबसे पहला नंबर एंटीऑक्सीडेंट्स का आएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स के मतलब बताता रहता हूँ जो हमारी सेहत के लिए नहायत मुफीद हैं। ये हमारे जिस्म को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये हमें कैंसर और कई मुझी अमराज से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के हज़ारों फायदे हैं, लेकिन अगर मैं इस वीडियो के अंदर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि ग्रीन टी के अंदर कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो वेट लॉस के लिए मददगार होता है। ग्रीन टी के अंदर कैटेकिन मौजूद होता है। ये कैटेकिन वेट लॉस के लिए बहुत मुफीद है। कई रिसर्चर्स से ये बात जाहिर हो चुकी है कि कैटेकिन वेट लॉस के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, वेट लॉस के लिए अगर आप ग्रीन टी के साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें तो अच्छे नतायज हासिल किए जा सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैटेकिन हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और इसके अलावा हमारे खून के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। इससे जाहिर होता है कि वेट लॉस के अलावा ग्रीन टी हमें दिल के अमराज से भी बचा सकती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ग्रीन टी के अंदर कैफीन मौजूद होती है। व्यूअर्स, कई रिसर्चर्स से ये बात जाहिर हो चुकी है कि कैफीन वज़न कम करने में मदद करती है। इसके अलावा कैफीन हमें एक्टिव रखती है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ग्रीन टी के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे BMR को बढ़ाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले BMR को समझना ज़रूरी होगा कि BMR क्या है। BMR stands for basal metabolic rate। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि BMR क्या है। नाज़रीन, हमारा जिस्म रेस्ट की हालत में भी बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। जिस्म को इन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए बॉडी के अंदर कई कैलोरीज बर्न होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बैठे होते हैं और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो हमारे जिस्म को सांस लेने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी रेस्ट की हालत में कई ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। व्यूअर्स, ग्रीन टी के अंदर कुदरत ऐसे अज्जा रखती हैं जो हमारे BMR को ज़्यादा करते हैं, यानी कि हमारे जिस्म का बेसिल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। सो ग्रीन टी के इस्तेमाल के साथ साथ मॉडरेट एक्सरसाइज को यकीनी बनाते हुए वज़न को यकीनी तौर पर कम किया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।